अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। आज मोदी साहब का जो भाषण आया, जो संदेश आया है, गौ रक्षक नामक जो आतंकवादी लोग घूम रहे हैं, जो गौ रक्षा के नाम पे आतंकवाद फैला रहे हैं, आतंक फैला रहे हैं, उनके लिए उनका संदेश आया है कि गांधी जी अगर होते तो इस चीज़ को कभी अप्रूव नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, है ना। देखो उन्होंने कौन सा शब्द का इस्तेमाल किया, अप्रूव नहीं करते। सबसे पहली बात तो ये होती कि समाज उसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता, सभ्य समाज के लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते। और गांधी मोदी जी कह रहे हैं कि गांधी जी होते तो अप्रूव नहीं करते। लगता है इनके पास कोई अर्जी आई है, भारत सरकार के पास कोई अर्जी आई है कि गौ रक्षक नामक जो आतंकी ग्रुप बने हुए हैं उनको अप्रूव किया जाए। और ये इसके आतंक को देखते हुए मोदी जी कह रहे हैं कि ये गांधी जी होते तो इसको अप्रूव नहीं करते। सबसे पहली बात, मोदी जी आप जिस प्रधानमंत्री पोस्ट पर बैठे हुए हैं, आपको ये चीज़ बोलने से पहले तो सबसे पहले कार्रवाई आपको करनी चाहिए कि जो आपके देश की जनता को हर रोज़ लहूलुहान कर रहा है, मार रहा है, गोली चला दे रहा है, उन ऐसे आतंक वाले ग्रुप को तो सबसे पहले आपको बैन करना चाहिए। आपने तो ये बोलकर उसकी वैल्यू बढ़ा दी, उसको और आपने इज्जत दे दिया, उसने अपने आपने अपनी मानसिकता को और भी उजागर कर दिया कि आप उसको अप्रूव करते कि नहीं करते। ये तो गौ रक्षा करना, क्या कोई इसके लिए कमेटी की ज़रूरत होती है? ये तो दिल की एक आस्था है जो लोग उसको करते हैं, पूजा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, गौ की रक्षा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। लेकिन आप तो ऐसा कह रहे हैं कि इस तरीके की कोई कमेटी बनी है, ये एक ग्रुप बना हुआ है जिसको आपके पास अर्जी दिया है कि आपको अप्रूव करना है कि नहीं करना है, और आपने वो बात कह दिया कि वो अप्रूव नहीं करते गांधी जी होते तो आप क्या करेंगे वो बताइए ना। गांधी जी तो सबसे पहली बात, आप जिस तरीके के विचारक वाले लोगों के आसपास रहते हैं वो तो उसी को अप्रूव नहीं करते हैं। आप गांधी जी की बात छोड़ दीजिए, ये इस तरह के आतंकी ग्रुप जो होते हैं ये देश के लिए ठीक नहीं है, देश के हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, खुद आपके लिए और आपके एजेंडा के लिए ठीक नहीं है मोदी जी। क्योंकि आपका जो 2014 के भाषण में रहा था कि विश्व विकास विकास विकास, उसी विकास के लिए ये लोग बाधक हैं। ये लोग किसी भी तरीके से आपके, हो सकता है कि ये लोग किसी लोगों के, कितने लोगों के मन के कुंठा को शांत कर देंगे, मन के कुंठा को वो लोग ठंडा कर देंगे। ये आतंकी जो ग्रुप है वो किसी दो चार को मार के हो सकता है 100-150 लोगों को शांत कर देंगे, लेकिन आपने देखा ना कि कल जो जंतर मंतर पे जितने लोग उमड़े थे, ये लोग, इनके मन में कहीं ना कहीं वो गुस्सा फूट रहा है, वो भड़क रहा है, वो ज्वालामुखी बन रही है, अपना भाप तैयार हो रहा है वो ज़मीन के अंदर में। लोग कभी ना कभी फट जाएंगे, सड़क पे उतर जाएंगे। निर्भया कांड में जिस तरीके से हुआ था तो शीला जी का तख्ता पलट गया था, तो पूरे देश का ये मामला है, पूरे देश के लोगों के गरिमा का मामला है, हमारे देश के गरिमा का मामला है, हमारे देश की इज्जत का मामला है। लोग आज ना कल एक हो ही जाएंगे मोदी जी, इससे पहले कि लोग एक हो जाएं आप कार्रवाई कर दीजिए ताकि एक इज्जत भी बनी रहे प्रधानमंत्री की गरिमा की, कि हाँ प्रधानमंत्री ने इस तरह के आतंकवादी ग्रुप और आतंकी उभरते हुए ग्रुप को फौरन से दबा दिया। चाहे इसमें किसी को बुरा लगे लेकिन देश की संप्रभुता के लिए ये आपका कदम उठाना जरूरी है। आज सारे महकमा, आज सारे लोग जो भी एक्शन बोले हैं, भाषण दिए हैं, स्पीच दिए हैं, या फिर बता रहे हैं कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए, वो सिर्फ इसलिए कि जितने लोग जंतर मंतर पे उमड़े थे उसका ये दबाव था। ये आपने कोई अपने मर्जी से नहीं कहा, ये आपको दबाव वो समझ में आ रहा है, वो सामाजिक जो दबाव जो प्रेशर ये लोग डाले हैं वो आपको समझ में आ गया मोदी जी। अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो इसका मतलब साफ होता है कि आप इसको बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि गलत तो हो रहा है ना कहीं तो गलत हो रहा है। पीपुल आर बींग किल्ड, वो भी वो इंसान जो आपके देश के नागरिक हैं, और वो भी दूसरे नागरिक के द्वारा, जो कुंठित मानसिकता का है, जो शैतानी दिमाग का है, जो राक्षस है, जो आतंकवादी है, उसके द्वारा मारा जा रहा है आपके देश का। तो सोचने वाली बात है मोदी जी। इट्स अ वेरी नाइस टाइम फॉर यू टू टेक सम गुड स्टेप अगेंस्ट सच कल्प्रिट्स, सच टाइप ऑफ टेररिस्ट ग्रुप जो स्पॉन्सर किया जा रहा है आपके ही ऑफिशियल लोगों के द्वारा। अगर आप उसको इनकाउंटर नहीं करते हैं, अगर आप ऐसे लोगों को दबाते नहीं हैं, तो याद रखिएगा ये आपके विकास का तो कभी रास्ता हो ही नहीं सकता है। और हिंदू भाई लोग जितने हैं हिंदुस्तान में, दो कुछ लोगों को छोड़कर, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कुछ लोगों को छोड़कर, उनकी मानसिकता इतनी घटिया हो ही नहीं सकती है कि इस तरीके के सोच को वो लोग अप्रूव करेंगे। एक्सेप्ट की तो बात छोड़ दीजिए, अप्रूव करेंगे। आने वाला है 2019,
अभी भी कुछ अच्छा कर दीजिए देश के लिए, देश में आपसी एकता का मैसेज दे दीजिए, मिलकर रहने का मैसेज दे दीजिए। देश उस वक्त तक तरक्की नहीं करेगा जब तक आप ऐसे आतंकवादी ग्रुपों को दबाने की कोशिश नहीं करेंगे। आपकी मीडिया है, आपने अच्छे से हैंडल कर रखा है। देखो, आप एक हिंदुस्तान का एक बंदा उसी जगह से आता है जहां से अब्दुल कलाम आज़ाद आते हैं, दुनिया का सबसे छोटा उपग्रह बनाया है, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं बात कर रहा। बात कहां हो रही है कि पत्थरबाज कौन है? आपके जाट जब पत्थर चलाते हैं तो वो आतंकवादी नहीं होते हैं, किसी दूसरे राज्य के जाट, वहाँ के लोकल लोग पत्थर चलाते हैं तो मीडिया उसको आतंकवादी घोषित कर देती है। मीडिया को आपने पूरे तरीके से खरीद लिया है। आप इस चीज़ को मोदी जी कोशिश कीजिए कि अपने तरफ से लोगों को सही संदेश दिया जा सके, वरना याद रखिए देश आज न कल आपको नकार देगा। तरक्की चाहते हैं आप, जिस विज़न के साथ पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, मैं इस बात को कभी कभी एक्सेप्ट करता हूं कि आप बाहर आपका घूमना कूदना फांदना ही कहलाएगा अगर आप जिस मकसद से गए हैं और वो मकसद आप दुनिया के देश के सामने ना रख सकें। वैश्वीकरण जिसको कहते हैं, जो दुनिया में ग्लोबलाइजेशन के तहत जो आप रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वाकई में सराहनीय है। लेकिन एक तरफ, दूसरी तरफ आपके देश में ही दूसरे आपके मानने वाले लोग, आपके चाहने वाले लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, असामाजिक तत्व जो हैं वो आतंक फैला रहे हैं, आतंकवादी बने हुए हैं, तो ये चीज़ कैसे एक साथ दो चीज़ चलेगा? नहीं चल सकता ना, ये देश पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मोदी जी प्लीज़, आप अपने इस गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड आतंकवादी ग्रुप को, जो गौ रक्षा के नाम, इतना देखिए सैक्रेड नाम, इतना एक पूजनीय चीज़, इतना मतलब आस्था से जुड़ी हुई चीज़ का लेकर सहारा नाम, और काम कर रहे हैं ऐसा जो आपके धर्म को ही बदनाम करता है। आपको क्या लगता है मुसलमान को मार दिए तो मुसलमान का इस्लाम खतरे में पड़ गया, मुसलमान खतरे में पड़ गया? नहीं, दुनिया का कोई भी सोचेगा, दुनिया में कोई भी देखेगा तो यही कहेगा कि ये तो आप अपने धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो आप अपने धर्म की छवि को सामने कर रहे हैं। किस तरीके से लोगों ने कहा है कि अक्सर मुसलमान कुछ गलत कार्रवाई में या आतंकवादी किसी भी तरीके के इसमें गतिविधि में मिलते हैं तो लोग कह देते हैं सीधे से मुस्लिम आतंकवादी होते हैं। तो आप क्यों उस लाइन पर चल रहे हैं, गलत रास्ते पे? जो चीज़ हम लोग भुगत रहे हैं कुछ अपने नासमझों के ज़रिए, कुछ मीडिया के द्वारा बनाए हुए, कुछ बनवाए गए, तो आप भी उसी कदम पे चलने लगे हैं, आप भी आतंकवादी पैदा करने लगे हैं, देश में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, तो फिर कोई फ़र्क नहीं रहेगा आपकी सोच में और उन आतंकवादी सोचों में जो इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। तो मोदी जी, एक आपसे आखिरी मतलब गुजारिश है, प्लीज़ टेक एक्शन अगेंस्ट दीज टेररिस्ट। ये मैं टेररिस्ट ही कहूँगा इनको, क्योंकि ये लोग आतंक फैला रहे हैं देश में गौ रक्षा के नाम पर, और इस आस्था को वो लोग बदनाम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। इस उम्मीद के साथ गुड बाय कह रहा हूँ कि देश हमारा है, हम सब लोगों को मिलकर इसको कामयाब बनाना है, और जंतर मंतर जैसे उमड़ती हुई भीड़ को रोकना अगर है तो आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी, वरना देश ऑलरेडी जाग चुका है। यकीन मानिए, देश जाग चुका है, कभी भी भीड़ उमड़ सकती है, आपके संसद भवन की तरफ आ सकती है। जंतर मंतर तो एक शुरुआत थी, यूपी में भीड़ हो सकती है। लोगों के अंदर जब इस बात का खौफ आ जाएगा ना कि उनकी ज़िंदगी ऐसे भी खतरे में है, तो फिर वो लड़ के मरेंगे, क्या दिक्कत है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।